कुछ भी चटपटा खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है, पर अगर उस चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो उसे बनाने से हम बहुत ही डरते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो फटाफट से बन जाएगी और खाने में जितनी ज़्यादा टेस्टी है बनाने में उतनी ही आसान है। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी मसाला बॉल्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान सी डिश है, आप कभी भी इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता और स्वागत है आपका टेस्ट फ्रॉम किचन में। तो सबसे पहले हम बना लेंगे सूजी के बॉल्स। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक कढ़ाई और इसमें डाल दिया है 2 चम्मच तेल, और जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच राई, और साथ ही में डाल देंगे थोड़ी सी करी के पत्ते। मेरे पास सूखे करी के पत्ते थे, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से चटक जाने देंगे और इसमें डाल देंगे हम 1.5 कप पानी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप सूजी, जिसके लिए मैं 1.5 कप पानी यूज़ कर रही हूँ, तो इसी रेशियो से आप इसको इस्तेमाल करें। साथ में मैं डाल दे रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, और साथ में ही हम डाल देंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स डालना यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और इन सब के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने जिस कप से पानी लिया था उसी कप से 1 कप सूजी ले ले रही हूँ। तो रेशियो आपको बराबर रखना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पका लेना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे सूजी का नमकीन हलवे जैसा तैयार कर लेना है। तो चलिए इसे पका लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए सूजी हमारी अच्छे से पक गई है, पूरी तरीके से ये रेडी है। तो अब इसे बुझा देंगे और थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो सूजी हमारी यहाँ पर ठंडी हो गई, इसे मैंने 1/2 घंटे के लिए रख दिया था। हल्का हल्का ये गर्म है, थोड़ी गुनगुनी ही होनी चाहिए। और अब हम इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। तो बिल्कुल आटे के जैसे हमें इसे गूंथ के तैयार कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल लोई अच्छे से ये आटे के जैसे बन गई है। तो अब हम बना लेंगे इसकी छोटे छोटे से ऐसे बॉल्स। तो ये देखिए बहुत ही ईजी है, फटाफट से ये सब बन जाता है और ज़्यादा टाइम भी इसे नहीं लगता है बनाने में। तो इस तरीके से छोटे छोटे से बॉल्स हम बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए तो आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप कभी भी बना सकते हैं। और यहाँ पे सारे के सारे बॉल्स बनके रेडी हो गए हैं। तो अब इन बॉल्स को हमें स्टीम करना है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाल दिया था 1/2 ग्लास पानी, और पानी अच्छे से बॉयल होने लगा है। तो अब इसके ऊपर मैं एक ऐसी चलनी रख दे रही हूँ, इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और अब इसके ऊपर हम ऐसे ऐसे बॉल्स सारी रख देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास स्टीमर है तो बहुत ही आसान हो जाएगा, आप स्टीमर में भी इसे स्टीम कर सकते हैं। तो ये सारी बॉल्स को ढक करके हम मीडियम फ्लेम पर कम से कम 15 मिनट के लिए पका लेंगे। तो चलिए इसे पका लेते हैं। 15 मिनट हो गए हैं तो बॉल्स को चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये पक गई है, हल्का सा ये सांवला कलर आ गया इसमें और ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो अब हम इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें डाल दिया है 2 चम्मच तेल, और साथ ही में हम डाल देंगे इसमें 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच राई। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, अगर आपके पास लाल मिर्च नहीं है तो आप यहाँ पर हरी मिर्च डाल सकते हैं। और साथ ही में हम डाल देंगे 15-20 करी पत्ते, तो अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता है तो आप डाल दीजिए। और इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, और इसके बाद डाल देंगे इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल करके भी हम थोड़ी देर तक अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम आप यहाँ पे मीडियम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं। और अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच हम सेसमी सीड्स। तो इसके बाद हम इसे भून लेंगे, और साथ ही में डाल देंगे इसमें 2 चम्मच कोकोनट। तो यहाँ पे मैंने ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट है तो वो आप घिस करके डाल सकते हैं। तो 1 से 1.5 मिनट इसे भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और अब मिला लेंगे इसमें थोड़े मसाले। तो 1/2 चम्मच मैं डाल दे रही हूँ रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच है हल्दी, और लगभग 1.5 चम्मच डाल दिया है मैंने इसमें सांभर मसाला। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे और भी मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं सांभर मसाले की जगह पे। और मसाले को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 बड़ी प्याज और 1 शिमला मिर्च, जिसे मैंने स्लाइस में काटा है, और इसे अच्छे से कम 2 से 3 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर भून लेंगे। तो चलिए भून लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। तो इसे अच्छे से हम भून लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे से भून गया है, लगभग 2 मिनट तक मैंने भून लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि मसाला बहुत ही ज़्यादा सूखा है तो ये उसके ऊपर कोट नहीं हो पाएगा बॉल्स के ऊपर। तो थोड़ा सा पानी डाल करके हम भून लेंगे, और इसके बाद ये सारे के सारे बॉल्स इसमें डाल देंगे। ये देखिए अब मसाले में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये अभी से ही देखने में। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे अलग अलग फ्लेवर में अपने पसंद के मसाले डाल के बना सकते हैं। तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे सारे मसाले इस बॉल्स के अंदर आ जाएं और इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। तो चलिए 2 मिनट बाद चेक करते हैं।
दो मिनट हो गया है, तो चलिए अब हम अपने बॉल्स को चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये देखने में। तो फ्रेंड्स, अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ सॉस भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ लगभग 2 से 2.5 चम्मच टमाटो सॉस। आप चाहें तो इसमें टमाटो सॉस के साथ साथ चिली सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, तो थोड़ा सा चटपटा सा और फ्लेवर आ जाएगा, हल्का सा मीठा हल्का सा चटपटा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो गया है। लास्ट में मैं डाल दे रही हूँ थोड़ी सी हरी धनिया। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो हमारे सूजी मसाला बॉल्स बनके यहाँ पे रेडी हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसे अलग अलग फ्लेवर का बना सकते हैं। आप इसे थोड़ा चाइनीज स्टाइल में बना सकते हैं, सारे सॉस वगैरह डाल करके, जैसे हम चिली पनीर बनाते हैं, या फिर आप पाव भाजी मसाला डाल करके इसे पाव भाजी फ्लेवर का बना सकते हैं, या फिर सांभर मसाला डाल करके सांभर मसाले के फ्लेवर का बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने तो यहाँ सांभर मसाले के फ्लेवर का बनाया है। आप घर पर किस फ्लेवर का बना रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस के लिंक दिए हैं, तो वहां जाके जरूर चेक करें। तो मिलती हूँ आपसे कुछ नई यमी टेस्टी रेसिपीज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।